हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्माइल विद पल्लवी। कैसे हो आप सब? तो गाइस, आज मैं काफ़ी दिनों के बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ। मतलब आप समझ लो, 12 तारीख को मैंने लास्ट ब्लॉग बनाया था जब हम कहीं जा रहे थे, और उसके पहले मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब थी, तो मैंने आप सबको अपडेट दिया था कि मेरी मम्मी की तबीयत नहीं सही है। और इसके बाद मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, बहुत ही ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो गई थी कुछ, तो जिसके चलते मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। और आज हो गए करीब 14 दिन, हो गए 2 हफ्ते हो गए पूरे, और मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से खालीपन सा लगता है जब मैं ब्लॉग नहीं बनाती हूँ, क्योंकि जो एक ब्लॉगर होते हैं ना, जो डेली ब्लॉगिंग करते हैं, उनको बहुत एक हैबिट बन जाती है ब्लॉग बनाने की। और अगर वो लोग नहीं बनाते हैं, चाहे वो ब्यूटी ब्लॉगर हो चाहे वो डेली ब्लॉगर हो, तो उनको थोड़ा यू नो अंदर से खालीपन सा लगता है। तो उस तरीके से मुझे भी लग रहा था, बट मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा था, और सच बताऊँ तो मुझे हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं बनाऊँ। तो मुझे क्या हुआ था, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। पहले मम्मी की हुई, उसके बाद मेरी हुई। कुछ पर्सनल रीज़न है जिसकी वजह से मैं आप लोगों को नहीं शेयर करना चाहती। तो मैं बेड से उठ भी नहीं पा रही थी, इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी। तो अभी भी मैं पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई हूँ, बट मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एटलीस्ट कुछ तो मेरा जो माइंड है वो डाइवर्ट होगा, जिसके चलते मैं जिसकी वजह से मैं जो है यू नो क्या कहते हैं ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी, तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि आई लव माई वर्क। तो जब आप किसी काम को बहुत पसंद करते हो, वो काम अगर आप करते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस ये सारी चीज़ें थी। बहुत टाइम हो गया था, मैंने यूट्यूब से ब्रेक ले लिया था, और मुझे अच्छा खुद भी नहीं लग रहा था, क्योंकि एक दो दिन मैं ब्लॉग नहीं बनाऊँ इट्स ओके, बट मैं कंटिन्यूस 14-15 दिन ब्लॉग नहीं बनाऊँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, मेरे लिए स्पेशली। तो बस यही सारी चीज़ें। और आपको रोने की आवाज़ सुनाई दे रही होगी बच्चों की, तो मेरे जो नेबर्स हैं सबके छोटे छोटे बच्चे हैं जो रोते रहते हैं। बच्चे यार, छोटे बच्चे तो कुछ कभी रोएंगे, कभी खेलेंगे, कभी हंसेंगे, ऐसे ही होता है। तो वो रो रहे हैं, पता नहीं क्यों रो रहे हैं। तो बस मैं अपने रूम में बैठी हूँ, मैं एक्चुअली रेस्ट करने के लिए बैठी थी, बट मैंने सोचा कि थोड़ा ब्लॉग बना लिया जाए, आप लोग को अपडेट दे दिया जाए कि मैं एक्चुअली में क्यों मैंने यूट्यूब से ब्रेक लिया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मैंने बनाए हैं छोले, सॉरी राजमा, मम्मी के चॉइस का, मतलब मम्मी जिस तरीके से बनाती उस तरीके से मैंने राजमा बनाया था दोपहर में, और वो राजमा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी इसी ब्लॉग में, क्योंकि जो मैं राजमा बनाती हूँ वो अलग होता है, और जो मेरी मम्मी बनाती है वो अलग होता है। तो जो मेरी मम्मी का बनाया हुआ राजमा था, वो मेरे हस्बैंड को काफ़ी पसंद आया, तो इस तरीके से मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर किया जाए। तो आज मैंने जो है ना यू नो कैमरा उठाने के सोचा कि आज मैं कैमरा उठाती हूँ और व्लॉग करती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया है। और मेरे मम्मी पापा एकदम ठीक है, वो बिल्कुल अच्छे हैं, टच वुड नज़र ना लगे। सच में यार, उनकी तबीयत ख़राब हो गई तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था मम्मी की। और जो है अभी कल थी संकट चौथ, जो मेरी मम्मी करती हैं हर साल, तो जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग को मैं बता देती हूँ, संकट चौथ वो होता है जिनके लड़के होते हैं उनकी मदर रखती हैं संकट चौथ अपने लड़कों की सलामती के लिए। और जो है संकट चौथ यूपी में होता है, एमपी में भी होता होगा आई गेस, और बिहार में मुझे नहीं लगता होता होगा, क्योंकि मेरे जो ससुराल वाले उन लोगों ने बोला कि संकट चौथ हमारे यहाँ पर नहीं होता है। तो संकट चौथ में क्या होता है कि पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, उसके बाद चांद की पूजा की जाती है। तो जो है पहले मैं सोच रही थी कि मैं शूट करूँगी उस दिन संकट चौथ की का व्लॉग बनाऊँगी, बट मेरे से नहीं हो पाया। तो इसके चलते क्या है ना कि मुझे बहुत क्रैम्पिंग होती है, अभी भी हो रही है, तो मुझे बहुत क्रैम्पिंग होती है, तो उसके चलते मैं नहीं कर पा रही थी। तो मैं तो कुछ जो टच भी नहीं कर पा रही थी पूजा का, मैं मम्मी की कोई हेल्प नहीं करा पा रही थी, वो सब कुछ अपने आप से कर रही थी, खुद से कर रही थी। पापा हेल्प करा रहे थे, मेरे हस्बैंड थोड़े बहुत हेल्प करा ले रहे थे, क्योंकि उनको उतना पता नहीं, उतनी नॉलेज नहीं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो बस पापा और दोनों लोग मिल के कर रहे थे, बट मेरा कराना और उन लोगों को कराने में बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि मैं जो कराती हूँ, जैसे मैं हूँ ना, मम्मी एकदम बैठी रहती, मैं उनका सारे बर्तन धो देती, पूजा के बर्तन सारी चीज़ें कर देती, सारा जो भी पहले तो वो पानी, एक्चुअली संकट चौथ जो होता है ना वो पानी बिना पी रहा जाता है। तो संकट चौथ मेरी मम्मी अभी इस एज में अब नहीं रह पाती बिना पानी पिए, तो उन वो लोग फलाहार करते हैं। फलाहार मतलब कि जैसे कि नमक की चीज़ें खा, सेंधा नमक खा सकते हैं, जो जिसको कहते हैं कि पिंक सॉल्ट होता है, गेस,
वो खा सकते हैं। तो मम्मी को सब चीज़ें मैं बनाना के देती, बट मैं इस बार कुछ भी नहीं कर पाई। इस बार क्या, मेरे घर में पहली बार मम्मी संकट चौथ है और मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैं आपको कुछ पिक्स जो है यहाँ पे शेयर कर दूँगी, आप देख लेना। मैंने बहुत ज़्यादा पिक्स नहीं ले पाई क्योंकि मैं पूजा के रूम में भी नहीं जा रही थी, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी बहुत पिक्स लिए मैंने, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। और चांद की पूजा की जाती है, चलनी लेके नहीं, जस्ट एक आरती, धूप बत्ती ये सब दिखाया जाता है, मतलब पूजा की जाती है। उसके बाद तिल होता है सकर चौथ में, जो जो लोग जानते हैं उनको पता होगा काला तिल बहुत ज़रूरी होता है, काला तिल और गुड़, उसको उसका प्रसाद होता है। और साथ में जो है फ्रूट्स वगैरह होते हैं, मिठाइयाँ होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, तो ये सारी चीज़ों का प्रसाद लगाया जाता है गणेश जी को भी और चंद्रमा को भी। और उसमें एक स्वीट पोटैटो होता है जिसको हम लोग कंदा बोलते हैं, और वहाँ पे बिहार में इसको अलुआ बोला जाता है अलुआ। तो जो है ना, क्या कहते हैं कि ये सब चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। तो बस सारी शॉपिंग मेरे हस्बैंड करके लाए थे, और मार्केटिंग सब वही कर, सारी शॉपिंग उन्होंने की। मैंने बहुत सारे मेरे अरमान थे, मैं जाके सामान खरीद के लाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, मम्मी को कोई काम नहीं करने दूंगी, बट मेरे सारे अरमानों पे पानी फिर गया क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकती थी उसमें, इवन मैं टच भी नहीं कर सकती थी कुछ। अब आप समझ सकते हो मैं क्यों नहीं टच कर सकती थी। तो बस ये सारी चीज़ें हैं। तो पूजा तो हो गई, उसके बाद मम्मी की परसों पूजा थी, और कल मम्मी की जो तबीयत खराब हुई भाई साहब। और पता है क्या हुआ ना, उन्होंने नमक नहीं खाया, नमक खाना बहुत ज़रूरी होता है, और मेरी मम्मी ज़बरदस्ती ना ज़िद में नमक नहीं खाई। नमक नहीं खाने से बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। और अब उनकी एज नहीं है, है तो बहुत ज़्यादा एज नहीं मेरी मम्मी की, 67 या 65 ऐसे ही है, बट फिर भी यार एक होता है ना टाइम के साथ साथ आदमी की, किसी किसी की बॉडी साथ देती, किसी किसी की बॉडी साथ नहीं देती है, तो मेरी मम्मी की बॉडी साथ नहीं दे रही है। तो इसके चलते हम लोगों ने बोला था कि नमक खा लीजिए खा लीजिए खा लीजिएगा सेंधा नमक, बट उन्होंने नहीं खाया। तो कल उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, मैं बहुत घबरा गई थी, मैंने काफ़ी कुछ उनको दिया या खाने वाने को, तब जाके उनकी तबीयत अभी ठीक है, अभी पूरे तरीके से नहीं, बट हाँ 80% वो ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मतलब समझ लो कि एक बहुत ही, मतलब आप समझ लो ये जनवरी मंथ ना मेरे लिए बहुत ही ख़राब किया। कोई नहीं, आगे आगे के मंथ अच्छे होंगे, बस होप फॉर द बेस्ट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं गाइस। तो मैंने सोचा मैं थोड़ी सी अपडेट कर दे देती हूँ आपको, अपडेट दे देती हूँ कि मैं क्यों नहीं आपके साथ कंटिन्यू हूँ, मैं क्यों नहीं ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। तो बस ये सारा रीज़न था, और अब मैं ट्राई करूँगी कि डेली ब्लॉगिंग करूँ, क्योंकि मैंने जनवरी मंथ में बिल्कुल भी ब्लॉगिंग नहीं की, 10-12 दिन की है, उसमें भी मैंने बहुत ज़्यादा गोली मारी है, मुझे पता है गोली मारी इन द सेंस बहुत ज़्यादा गैप किया है। तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं जो है कोशिश करूँ कि पूरी तरीके से आप लोगों के साथ कनेक्ट रहने की। और चलिए राजमा देख लीजिए मैंने कैसे बनाया है राजमा, और राजमा देखने के बाद भी ये ब्लॉग यहाँ पे एंड हो जाएगा। बाय गाइस।